उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हरे और हर का मिलन देखने को मिला। इस विशेष दिन पर भगवान महाकाल ने श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिए, जिससे शिव भक्तों में अपार उत्साह था। भगवान का भांग और सूखे मेवों से श्रृंगार किया गया और भव्य भस्म आरती का आयोजन हुआ, जिसमें महानिर्वाणी अखाड़े के महंत ने भगवान को भस्मी से स्नान कराया। महाकालेश्वर मंदिर के महेश पुजारी ने बताया कि अद्वितीय मिलन साल में केवल एक बार जन्माष्टमी के दिन होता है। भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान होते हैं, जबकि उनके मस्तक पर विष्णु, तिलक और श्री कृष्ण की छवि से श्रृंगारित किया जाता है। यह दृश्य केवल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर ही देखने को मिलता है। दिल्ली से आए शिव भक्त रामकृष्ण तिवारी ने बताया कि महाकालेश्वर के दरबार में जन्माष्टमी की धूम और शैव वैष्णव परंपराओं का अद्भुत संगम देखने लायक होता है। भादो पक्ष के पहले सोमवार को भगवान महाकाल नगर भ्रमण पर निकलेंगे और जब उनकी सवारी द्वारकाधीश गोपाल मंदिर से गुजरेगी, तब एक बार फिर हरि और हर का मिलन होगा। यह परंपरा केवल महाकालेश्वर मंदिर में ही देखने को मिलती है और इस बार भादो पक्ष में भगवान महाकाल की दो सवारी निकलने वाली है।